गुड इवनिंग। आज हम आपको एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का बताने जा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को प्रूफ करना, परंतु अब ये प्रूफ करने के साथ साथ जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रिमूव भी करना है, एलिमिनेट भी करना है, ठीक है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखिए चैप्टर नंबर है 1B, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो आपको प्रूफ करना है ना, इसमें आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ये यूज करके ही आप इसको प्रूफ करना है, यानी इसकी हेल्प से आप ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको इसके बराबर ये प्रूफ करना है। तो इसमें का ये वाला पार्ट LHS कहलाएगा और ये वाला पार्ट आपका RHS कहलाएगा, ठीक है। LHS पार्ट को मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में आपको क्या लाना है, RHS वाला पार्ट ले आना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यम के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू यम, यानी यम के जगह पर ये लिखा हुआ है। अब आप लिखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, आपने लिख दिया, ये एम के जगह पर है। अब आपने देखा स्क्वायर लिखा हुआ तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, फिर प्लस, अब यन के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, यन के स्थान पर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद में आपको ये आना चाहिए, अगर ये आता है तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट। क्या करेंगे, अब आप देखिए ये है ए प्लस बी का होल वर्ग, ये पूरा ए मानिए, ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो ऐसे आप कह सकते हैं ना, ये पूरा बी हो गया, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, तो ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ये अगर पूरा ए है और ये पूरा बी है तो पूरे का स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या होगा, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा, प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये किसका पार्ट हुआ, ये इसका पार्ट हुआ, ठीक है। अब आप इस पार्ट को एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये बनेगा ना। अब आप देखिए प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लीजिए। तो पहले इसको लिखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर काफ स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा। आपने इसको यहाँ लिखा, इसको आपने यहाँ लिखा, अब आप इसको लिखिए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फिर आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर काफ स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर काफ स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको मैंने रीअरेंज किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, किसमें है, इन दोनों में, ठीक है। तो आपका क्या रिमेनिंग होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार से इसमें आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वही वन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपको लेना था, यही आपको लेना था, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने कि आप अगर सिंप्लीफिकेशन करना जानते हैं, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन को आप बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपके लिए हर स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, हर स्टेप लिखता हूँ, इसलिए आपको समझने में परेशानी उम्मीद है नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो रही हो समझने में, या कोई दिक्कत इसमें हो रही हो कि ये चीज़ हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जब तक प्रैक्टिस करिए जब तक वो आपका अपना ना हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू। प्यारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, इफ एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एल एच एस पार्ट होता है, इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स के यहाँ पर क्या है, एक्स के यहाँ पर ये है, इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये किसके स्थान पर है, एक्स के स्थान पर, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। माइनस वाई के स्थान पर क्या है, ए टेन थीटा, क्या है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये आपका होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है क्या वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई, अब इसको आप आगे करिए, आगे क्या करेंगे, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस टू ए बी, टू ए बी सेक थीटा और टेन थीटा, ये इसका इस पार्ट से बना, ठीक है। अब इस पार्ट से आप बनाइए, माइनस ब्रैकेट लगाइए, ए स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आई,
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आगे आप इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा सा आप इसको इधर हट के लिखिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। ये तो आप एच डी रहने दिए, ठीक है। अब आगे आप आइए, आगे क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर, ठीक है, क्या है ये ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, क्या है स्टूडेंट, टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टू ए बी, ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये बना। यार ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये दोनों साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आप देखिए टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, एक प्लस और एक माइनस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा आपका, अब आप देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, अब इसके साथ में इसको लिखिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई आपको कि पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा, ठीक है। अब आपका क्या बचता है, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो अब आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर आप लिखिए माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बना आपका, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे आप देखिए आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया आपने किसमें, इन दोनों में, तो रिमेनिंग क्या हुआ आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे आप, माइनस बी स्क्वायर कॉमन आप ले लीजिए, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला मैं आपको बता रखा था, पहले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन को इधर लाते हैं तो यह आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन बन जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, वन हो गया स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर इंटू वन, ठीक है, माइनस ये बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसके इसके बराबर भी क्या बना स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बना, ठीक है। तो अब ये दोनों आप इंटू कर दीजिए तो क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आगे चलता है, ठीक है। तो देखा आपने कितनी सरलतापूर्वक ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, लगाने का अभ्यास करिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही सरलतापूर्वक हल हो जाया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं हर एक स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, किसी भी स्टेप में अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा समझाया जाए, तो मैं दोबारा समझा दूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।